एवरीवन, वेलकम टू द एलूजन। हाल ही में हबल स्पेस टेलीस्कोप ये बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा है। जानेंगे हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में, ये कैसा टेलीस्कोप था और ये क्यों ज़्यादा इतना न्यूज में है। देखो, चर्चा में रहने का कारण ये है कि नासा के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया जिसमें ये बताया गया कि हबल स्पेस टेलीस्कोप अब काम करना बंद कर चुका है। क्यों, ऐसा क्या हुआ इसमें? इसका एक कंप्यूटर है जिसको कहते हैं पेलोड कंप्यूटर, इसी में खराबी आ जाने के कारण इस टेलीस्कोप ने काम करना बंद कर दिया है। अब जो इसने काम करना बंद किया, आखिर इस कंप्यूटर में ऐसा था क्या? देखो, जो ये कंप्यूटर था इसी से पूरे टेलीस्कोप को ऑपरेट किया जाता था, जो कि एक बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का टेलीस्कोप था जिसने हाल ही में काम करना बंद कर दिया। हबल स्पेस टेलीस्कोप आखिर है क्या? देखो, और इसको लॉन्च कब किया गया? ये एक अमेरिकी टेलीस्कोप था जिसको लॉन्च किया गया था 1990 में नासा के द्वारा, और इसको प्लेस किया गया था लो अर्थ ऑर्बिट में। लो अर्थ ऑर्बिट होता क्या है? तो यहाँ जो आप ये ग्रीन लाइन देख रहे हो, ये ग्रीन लाइन, ये है लो अर्थ ऑर्बिट, और ये जो आप बैंगनी कलर का लाइन देख रहे हो ये है पोलर ऑर्बिट। इसके बाद आता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, इसके बाद आता है हाई अर्थ ऑर्बिट। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में यहाँ पर आएगा। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये है हमारी प्यारी धरती, और यहाँ पर जो ये ब्लू लाइन देख रहे हो ये है लो अर्थ ऑर्बिट का एरिया। ये शुरू होता है धरती के सरफेस से लेकर 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच। इसका एरिया 160 से 2000 किलोमीटर के बीच में ही होता है, जिसमें आपको ऑफकोर्स मिलेगा हबल स्पेस टेलीस्कोप, जो आज भी धरती के चारों ओर रोटेट तो कर रहा है लेकिन ये काम करना बंद कर दिया है, जिसको प्लेस किया गया था करीब 600 किलोमीटर ऊपर में। इसके बाद आता है ये जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हो ये एरिया, इसको कहते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट। ये शुरू होता है आपका लो अर्थ ऑर्बिट, जहाँ पर ख़त्म होता है वहीं से ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट शुरू होता है, जिसका दायरा है 2000 किलोमीटर से लेकर 35000 किलोमीटर तक। इसके बाद जो ये रेड लाइन देख रहे हो ये है हाई अर्थ ऑर्बिट, जो शुरू होता है 35000 किलोमीटर से ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर कहाँ तक? उतना ही एरिया जहाँ तक कि किसी भी सैटेलाइट या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए तो वो धरती के चारों ओर रोटेट हो। तो आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि आखिर हाई अर्थ ऑर्बिट में हम प्लेस क्या करते हैं, इतने दूर में हम क्या रखेंगे? देखो, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को प्लेस किया जाता है, जिसमें है जियो स्टेशनरी जैसे सैटेलाइट, उसके बाद जियो सिंक्रोनस जैसे सैटेलाइट जो कि कम्युनिकेशन, नेविगेशन और वेदर फोरकास्टिंग के लिए उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद आता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट में आपको GPS जैसे सिस्टम देखने को मिलेगा, और ऑफ कोर्स लो अर्थ ऑर्बिट में आपको बहुत सारे ऐसे टेलीस्कोप सैटेलाइट देखने को मिलेगा जो धरती के चारों ओर रोटेट कर रही है। यहीं पर आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगा लो अर्थ ऑर्बिट में, वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। देखिए, इसका नाम रखा गया था एक एस्ट्रोनॉमर पर जो कि अमेरिकी थे, उनका नाम था एडविन पॉवेल हबल। इन्हीं के नाम पर हबल स्पेस टेलीस्कोप का नाम रखा गया, जिसको डिज़ाइन किया गया था नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। अब आप कहेंगे कि कोई भी मशीन है इसकी तो सर्विसिंग की जा सकती है, क्योंकि ये जो टेलीस्कोप है ये तो है एक मशीन, तो क्या इसका सर्विसिंग नहीं किया जा सकता है? देखो, इसका सर्विसिंग बहुत बार किया जा चुका है। पिछले बार इसका सर्विसिंग किया गया था 2009 में, और बता दिया गया था कि ये टेलीस्कोप करीब 2014 तक काम करेगा, इसके बाद ये बंद हो जाएगा। तो ऐसा देखने को आया कि 2014 में तो ये बंद नहीं हुआ, लेकिन अब जाकर 2021 में ये बंद हुआ है। इसके द्वारा बहुत सारी चीज़ों की खोज की गई, जिसमें आपको बहुत सारे चीज़ मिलेंगे। एक है पिलर्स ऑफ क्रिएशन, जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये फोटो, ये है एक स्टार क्लस्टर जो कि अपने शुरुआती फेज में है। इसके बाद इसके द्वारा बताया गया कि जो सैटर्न है इसके सदर्न पोल पर अरोरास देखने को मिलता है, जो कि इसी हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा देखा गया था। अरोरास क्या होते हैं? देखो, आप जो यहाँ पर लाइट देख रहे हो ये है अरोरा, ये किसी भी प्लेनेट के पोल पर देखने को मिलता है।
तो आप ये कहोगे कि धरती के ऊपर भी ये देखने को मिलता है, तो हाँ ये धरती के ऊपर भी देखने को मिलता है, लेकिन आपको ये हर जगह पर देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि आपको बताया गया कि ये पोलर रीजन पर देखने को मिलता है, तो इसको देखने के लिए आपको जाना होगा नॉर्वे जैसे देश में, वहां पर आपको ये रात के समय में दिखेगा, जो कि हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है। इसके बाद इसने एक चीज और खोज की, इसने बताया कि जुपिटर के सदर्न पोल पर कुछ धब्बे दिखते हैं जो कि ब्राउन कलर के हैं। इसके बाद इसके द्वारा देखा गया कि एक स्टार जो बनने के फॉर्म में है, ये एक नेबुला के फॉर्म में है अभी, तो ये भी इसके द्वारा खोजा गया। अब यहाँ पर एक चीज आपने नोटिस किया होगा, एक वर्ड क्लस्टर। क्लस्टर होता क्या है? देखो, क्लस्टर बहुत बड़ी चीज होती है। इसको समझने के लिए मैं आपको शुरुआत से समझाता हूं। पहले होता है प्लेनेट। कोई भी ग्रह है, जैसे कि हमारी धरती हो गई, ये एक प्लेनेट है, तो पहले प्लेनेट होता है। प्लेनेट होता कहाँ है? तो ये है हमारा सोलर सिस्टम में। अब बहुत सारे सोलर सिस्टम और बहुत सारे स्टार मिलते हैं तो बनाते हैं ग्रुप ऑफ सोलर सिस्टम। फिर जब ग्रुप ऑफ सोलर सिस्टम बनता है तो ये मिलकर बनाते हैं मिल्की वे जैसे गैलेक्सीज, जिसमें कि हमारा जो गैलेक्सी है ये है मिल्की वे गैलेक्सी। तो ऐसे ही बहुत सारे गैलेक्सी मिलते हैं तो बनता है ग्रुप ऑफ गैलेक्सी, जिसको हम ग्रुप ऑफ गैलेक्सी कहते हैं। इसके बाद जब बहुत सारे गैलेक्सी आपस में मिलते हैं तो वो बनाता है क्लस्टर। क्लस्टर क्या होता है और कैसे दिखने में लगता है? तो आप जो अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है क्लस्टर। ये क्लस्टर कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है। इसमें आपको बहुत सारे अनगिनत गैलेक्सीज मिलेंगे, बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलेंगे, तो ऐसे में मिलकर ये बनता है एक क्लस्टर। अब क्लस्टर के बाद क्या होता है? देखो, बहुत सारे क्लस्टर मिलके बनाते हैं ग्रुप ऑफ क्लस्टर। ग्रुप ऑफ क्लस्टर जब बनते हैं तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ क्लस्टर मिलकर बनाते हैं सुपर क्लस्टर को। तो जब सुपर क्लस्टर बनता है तो ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। अब ये जो क्लस्टर है सुपर क्लस्टर, तो आपके मन में एक सवाल आता होगा कि क्या धरती जो हमारी है ये किसी सुपर क्लस्टर का भाग है? तो जी हाँ, ये भी एक सुपर क्लस्टर का भाग है। और ये जो हमारी धरती है, ये जिस सुपर क्लस्टर का भाग है उसका नाम है लानियोकेना। तो हमारा जो धरती है ये सुपर क्लस्टर का ही एक भाग है, जिसमें बहुत सारे गैलेक्सीज और बहुत सारे क्लस्टर मिलकर इस क्लस्टर को बनाते हैं, और इसी में एक छोटा सा प्लेनेट है अर्थ, जिस पर ह्यूमन वास करता है। इसके ऊपर क्या है नहीं है ये अभी तक बताया नहीं गया है। और यदि आपको इन सभी चीज़ों के बारे में जानना है, या फिर यदि आपको इन सभी चीज़ों पर इंटरेस्ट है कि क्या ये होता है, किस प्रकार से हमारा ब्रह्मांड है, इन सभी चीज़ों को देखने के लिए आप YouTube में सीधा सर्च कर सकते हो कॉस्मोस थ्योरी। हिंदी में भी ये अवेलेबल है, बहुत सारे पार्ट हैं, तो आप उसको जाकर वहाँ पर देखें। बहुत ही बेहतरीन ढंग से उसको बताया गया है, आपको बहुत मज़ा आएगा वो देखने में। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो हबल स्पेस टेलीस्कोप था ये तो चला गया, अब इसका तो काम ख़त्म हो गया, अब ये काम में नहीं लाया जाएगा। तो इसके बाद क्या क्या अब आसमान साफ हो गया? अब कोई ऐसा दूरबीन नहीं है जिससे हम लोग कुछ देख सकते हैं, किसी चीज़ की खोज की जा सकती है? तो ऐसा नहीं है। इस टेलीस्कोप को खराब होने के पहले ही एक टेलीस्कोप को लॉन्च कर दिया गया था, जिसका नाम है जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरदर्शी, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, शॉर्ट में इसको कहेंगे JWST।
जो कि इसको लॉन्च किया गया था 2014 में ही एरियन 5 रॉकेट से। तो ये जो है JWST, ये किसने मिलकर बनाया? तो देखो, इसमें बहुत सारे देशों का हाथ है। इसमें तो पहला हाथ है नासा का, उसके बाद है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, उसके बाद है कैनेडियन स्पेस एजेंसी का, उसके बाद आता है 15 अन्य देश जिसने मिलकर इस टेलीस्कोप को बनाया है। और ये जब टेलीस्कोप बना तो ये हबल स्पेस टेलीस्कोप से भी ज़्यादा एडवांस इस टेलीस्कोप को माना जाता है। अब बात करते हैं कि भारत और विश्व के पास कुछ ऐसे टेलीस्कोप हैं जिससे ब्रह्मांड में नज़र रखा जा रहा। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे टेलीस्कोप हैं। एक है देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप, दूसरा है फास्ट टेलीस्कोप, तीसरा है ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप। देखो, जो इसमें देव ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, ये इस्टेब्लिश किया गया है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के ये देवस्थल में स्थापित किया गया है, जिसको बनाया था भारत और बेल्जियम ने मिलकर। इसके बाद एक और टेलीस्कोप है जो कि इंडिया का है। आपको इससे सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको याद रखें, और जितना हो उतना इसको, मैं तो कहूँगा कि आप इसको नोट डाउन कर लें किसी कॉपी में। जो ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप है, इसको लगाया गया है लद्दाख के रीजन में, जो कि भारतीय खगोलीय वैधशाला के नाम से जाना जाता है। तो ये है कुछ टेलीस्कोप जो भारत के हैं। तो ये सब चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। आपने इस क्लस्टर के बारे में पढ़ा, एक सुपर क्लस्टर है जिसका नाम है सरस्वती सुपर क्लस्टर। आप इसके बारे में जो भी कुछ जानते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें, चाहे आप सर्च करें, गूगल करें, कुछ भी करें, लेकिन इसको पढ़ें और इसको कमेंट बॉक्स में लिखें। जिसका आंसर सबसे ज़्यादा अच्छा होगा उसके कमेंट को मैं कमेंट बॉक्स में ही पिन कर दूंगा। तो ये था आज का लेक्चर। मैं आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।